हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिए मैं आपके लिए इस ब्यूटीफुल बॉर्डर डिज़ाइन की वीडियो लेके आई हूँ। ये बॉर्डर डिज़ाइन देखिए हमारा कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन, बटन पट्टी, जेंट्स के स्वेटर में और बच्चों के किसी के भी स्वेटर में डाल सकते हैं। ये बहुत सुंदर और बहुत प्यारा देखिए डिज़ाइन लग रहा है। ये सीधी तरफ से ऐसे और उल्टी तरफ से भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो इसे आप कैप वगैरह में भी डाल सकते हैं, सॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप स्टॉल वगैरह बनाना चाहते हो इससे तो वो भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ से ये सेम एक जैसा ही बनेगा। इधर से उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी, देखिए दोनों तरफ से सेम एक जैसा। और इसके लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो जोड़ों में डालने हैं, दो दो के मल्टीपल से, ऐसे दो फंदे दो फंदे दो फंदे ऐसे करते हुए आपने जितने भी इसमें फंदे डालना चाहो ना उतने फंदे आप इसमें डाल सकते हो। और ये डिज़ाइन भी बहुत आसान है, बहुत इजी पैटर्न है। मैंने वीडियो डाली थी कल तो इसके ऊपर ही डिज़ाइन डाला था, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लीज़ इस बॉर्डर का भी लिंक दीजिए कि बॉर्डर बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैंने आपके लिए स्पेशल आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलाई में फंदे ले लिए हैं, ये 12 फंदे लिए हैं मैंने सिलाई में। बहुत इजी 2 रो का सिर्फ ये डिज़ाइन है हमारा, वैसे तो 1 रो का ही ये डिज़ाइन है। सीधी और उल्टी दोनों तरफ से एक जैसे ही ये बनता है, ठीक है। तो इसे बनाना कैसे है देखिए, ये मैंने फंदे डाले हैं। जस्ट फंदे डालने के बाद इसकी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन हमारा शुरू हो जाता है। तो पहले फंदे को, फर्स्ट रो है तो सीधा बना दूंगी, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सिंपल जैसे उल्टा बनाते हैं ना वैसे ही उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, हम ऐसे फंदे को सीधा बनाते हैं नॉर्मल इस तरह से, लेकिन इसमें हमने ऐसे नहीं करना है। सीधे फंदे को हमने बैक लूप से ऐसे, बैक से ऐसे, देखिए ऐसे बैक से डालना है सिलाई को। और जैसे हम ऐसे सीधा फंदा बनाते हैं ऐसे नहीं बनाना है, इसे ऊपर से ऐसे डालना है, फिर इस तरह से बना देंगे। धागा अपनी तरफ, अब उल्टा फंदा बनाएंगे एक, तो ये उल्टा फंदा नॉर्मल ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, सीधा फंदा बनाना है, उसे सिंपल ऐसे नहीं बनाना है, पीछे से ऐसे सिलाई में डालना है। पीछे से ऐसे सिलाई में डाला और ऊपर से ऐसे धागा घुमा दिया, ये सीधा फंदा। फिर धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को सिंपल उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, सीधे फंदे को बैक लूप से ऐसे डाला सिलाई को और ऊपर से धागा घुमाते हुए ऐसे बना लेंगे। जितने भी आपके पास सिलाई में फंदे हैं सभी फंदों को हमने ऐसे ही बनाना है। देखिए इसे पीछे से ऐसे डाला, ऊपर से ऐसे सिलाई को घुमाया, धागे को सॉरी निकाल दिया। फिर धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, फिर से ऐसे डाला सिलाई में पीछे से और इसे ऊपर से ऐसे धागा घुमाते हुए बना दिया। फिर धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा लास्ट का। अब ऐसे ही आपने एक फर्स्ट रो कंप्लीट की। अब सेकंड रो देखिए हमने कैसे बनानी है। फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा अपनी तरफ करना है, ये फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे सिंपल ऐसे जैसे हम उल्टा बनाते हैं ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, ये हमारा सीधा फंदा है तो इसे बिल्कुल वैसे ही ऐसे बैक लूम से डाला सिलाई को, ऊपर से ऐसे धागा घुमाया निकाला। फिर धागा अपनी तरफ, इस उल्टे फंदे को जैसे उल्टा फंदा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाया, धागा दूसरी तरफ, सीधे फंदे को पीछे से ऐसे सिलाई को डाला, ऊपर से धागा घुमाया निकाल दिया। उल्टे फंदे को उल्टे की तरह ही बनाएंगे और सीधे फंदे को पीछे से ऐसे सिलाई डालते हुए धागे को ऊपर से ऐसे सिलाई पर घुमाते हुए सीधा बनाना है। उल्टा फंदा उल्टा, सीधे फंदे को फिर से ऐसे ऐसे ही करते हुए ये पूरी रो हमने बनाकर अपनी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से उल्टा, तो ऐसे ही हमने इस डिज़ाइन को डालते जाना है। देखिए आगे आगे आप इन्हीं 2 रो को
आगे आगे बनाते जाओगे तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत इजी, बहुत आसान डिज़ाइन है ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस सीधे फंदों में ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए ऊपर से धागा घुमाते हुए हमने बनाते जाना है, तो ये हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।